दोस्तों, आप कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम के प्रति आप में लगन है, मेहनत है, तो किसी भी काम को बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट करके बहुत बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। और अभी जो है, मैं एक पोल्ट्री फार्म पे हूँ। ये इस पोल्ट्री फार्म को अजय जी चलाते हैं और बहुत ही अच्छा पोल्ट्री फार्म है। यहाँ पर देखेंगे जो बर्ड्स हैं, ये आज 37 दिन के बर्ड्स हैं। अभी आज तो 107 रुपए की मंडी है हमारे यहाँ, 107 रुपए की। और जिस लोकल में बिकता है, ये कटर वगैरह वाले लेके जाते हैं, तो ये लोग 110 भी दे जाते हैं जी। पर जो मंडी का प्रॉपर रेट है वो यही है। इससे पहले जब मैं आपसे मिला था तो आपने बताया था कि जैसे ही ये एक महीने का जो सावन बिल्कुल खत्म होगा, उसके बाद रेट बढ़ेगा, क्योंकि उस समय रेट बहुत कम था जी। तो सर, 200 बर्ड्स के लिए किस तरह से जो है ऐसे फार्मर्स फार्म को बनवाएं, कितना बड़ा फार्म हो चाहिए? देखिए सर, मैं जो आंकड़े आपको बताऊंगा जी, इसको किसान भाई अपने हिसाब से अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा के हिसाब लगा सकते हैं, घटाना चाहेंगे तो घटा के हिसाब लगा सकते हैं जी। जैसे सर, जैसे कि मेरे रखने का जो आइडिया है, मैं जैसे बर्ड्स का पालन करता हूँ, इसमें होता क्या है सर कि जो ठंडी में होता है, मैं इनको देता हूँ 1.4 स्क्वायर फीट की जगह, और ठंड गर्मी के टाइम पे ये स्पेस थोड़ा बढ़ाया जाता है, जैसे कि 1.5 के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह देना पड़ता है। सर, बर्ड में मैंने एक चीज़ अनुभव लगाया है कि जितना ज़्यादा आप स्पेस देंगे उतना ही कम बीमारियाँ आएंगी बर्ड में, और जितना ज़्यादा आप स्पेस देंगे उतना ही बेहतर ग्रोथ भी होता है बर्ड में। अच्छा सर, जैसा कि आप बता रहे हैं 1.4 या 1.5, इससे ज़्यादा भी स्पेस दे सकते हैं? बिल्कुल सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप अधिक स्पेस देंगे आपका ग्रोथ उतना ही बेहतर आएगा। जैसे कि अभी सर मान लीजिए मेरा जो फार्म है इस समय, ये 3500 बर्ड का है, पर मैं इसमें 2000 बर्ड सिर्फ डलवाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सर जी, क्योंकि अभी यहाँ पे 500 बर्ड हैं, जैसा कि आपने बताया था वहाँ पे 1500 जी, तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। मैं बर्ड्स को देख रहा हूँ आराम से जो है बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कम स्पेस है, उसमें और ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे आप जितना ज़्यादा स्पेस देंगे, होता क्या है सर, इसका जो एक्चुअल कारण है वो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। जैसे कि मान लीजिए मुर्गी ने बीट किया अपना, बीट में ऐसे कुछ वो होते हैं कि वो दूसरी मुर्गी उस पर जाके चोंच मारती है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि उस मुर्गी को जुलाब हो रहा है तो अगली मुर्गी को भी जुलाब होना शुरू हो जाएगा। तो जब ज़्यादा स्पेस नहीं होने के कारण मुर्गियाँ घनी होंगी तो उसमें हर जगह पे कहीं बैठने के जुगाड़ नहीं है, मुर्गी यहाँ चोंच मारेगी वहाँ चोंच मारेगी, तो स्पेस ज़्यादा होगा, बीमारियाँ कम लगेंगी, अच्छा खासा ग्रोथ होगा, आपका बर्ड जो है प्रॉपर हमेशा एकदम एक्टिव रहेगा, उसको स्पेस मिलेगा, वो आराम भी कर सकता है, क्योंकि रेस्ट करने के टाइम पे बर्ड अक्सर करके इधर उधर पलट के ऐसे वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए उनको अच्छे से जगह मिलती रहेगी। सर, जो नए फार्मर हैं उनको कितना बड़ा फार्म बनवाना चाहिए 200 बर्ड के लिए? 200 बर्ड के लिए आप लगभग में 400 स्क्वायर फीट का फार्म बनाएं जी। क्यों सर? उसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए आपने 400 स्क्वायर फीट का फार्म बनाया है, तो आपका 300 स्क्वायर फीट में तो बर्ड आ जाएगा जी। जो आपका 100 स्क्वायर फीट जगह बच रही है जी, उसमें आपका एक चारपाई छोटा सा आ जाएगा, उसमें दाने और आपका जो बर्तन होता जी, है जो भी रखना है वो एक साइड में आप रख सकते हैं जी 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 जी। तो ये था फार्म के ऊपर कि कितना दोस्तों आपको कितना बड़ा फार्म बनवाना है। अब बात कर लेते हैं सर, जो ये चिक्स होते हैं, जो नए फार्मर्स हैं, उनको कौन सा चिक्स सबसे पहले डालना चाहिए? सर, जैसे चिक्स तो कई वैरायटी के होते हैं जी, पर मेरा सजेशन यही है दोस्तों को कि जितना ज़्यादा हो सके वो कॉप का बच्चा ही डालें जी। कॉप का बच्चा होता क्या है सर कि इसमें बीमारियाँ कम होती हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है इसका अच्छा खासा होता है, और बर्ड का ग्रोथ तो पक्का है, आता ही आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सर, अभी चिक्स का रेट क्या है, क्योंकि कभी कभी काफ़ी बढ़ जाता है। जिस दिन मैंने मेरा 4000 चिक्स एक जगह पड़ा है, उस दिन मैंने मंगवाया था जी, तो मुझे 27 रुपये का बर्ड्स मिला था, एक चिक्स का रेट 27 रुपये था। अभी एक्चुअल में मुझे नहीं पता है सर जी, कि क्योंकि मैं ज़रूरत नहीं होती तो मैं पता नहीं करता। तो अभी 20 से 30 के बीच में ही रेट होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस दो तरीके से होता है, पहला प्राइवेट पोल्ट्री बिजनेस, दूसरा कंट्रैक्ट पोल्ट्री बिजनेस। दोस्तों, कंट्रैक्ट पोल्ट्री बिजनेस में आपको कम से कम 2000 बर्ड्स के लिए एक पोल्ट्री फार्म बनवाना होता है। वहीं प्राइवेट पोल्ट्री बिजनेस में आप जिस तरह से चाहें, जितना चाहें उतने बर्ड्स से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो
उन फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बहुत छोटे स्तर से अपना पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी आप पोल्ट्री बिजनेस शुरू करें तो आपको चिक्स अच्छी कंपनी का ही लेना चाहिए। इसी तरह फीड भी आपको अच्छी कंपनी का लेना चाहिए। अच्छी कंपनी के जो चिक्स होते हैं उनमें बीमारियां आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसी तरह अच्छी कंपनी के जो फीड होते हैं उनमें बर्ड का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है और 35 से 40 दिनों में 2 kg बॉडी वेट भी हो जाता है। दोस्तों, बर्ड्स पालन में किस तरह से खर्च होता है? दोस्तों, किसी भी डीलर से अगर आप 100 चिक्स लेते हैं तो आपको 2 चिक्स फ्री मिलता है। इस तरह से 200 चिक्स पे आपको 4 चिक्स फ्री मिलते हैं। दोस्तों, अभी का जो रेट चल रहा है इसके हिसाब से 200 चिक्स के लिए आपको 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, एक जो मुर्गा होता है वो 35 से 40 दिनों में 3 किलो से 3 किलो 200 ग्राम तक फीड खाता है। इस हिसाब से 200 बर्ड्स के लिए हमें 6 कुंटल 50 किलो दाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से अभी का जो रेट है इसके हिसाब से 24,700 रुपये हमें पोल्ट्री फीड पर खर्च करना होता है। दोस्तों, दवाओं की बात करें तो 200 बर्ड्स के लिए 1,000 रुपये की दवा लग जाती है और लीटर की बात करें तो लीटर पे करीब 100 रुपये का खर्चा होता है। दोस्तों, टोटल अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा जो खर्चा हुआ वो 31,800 रुपये का। 204 मुर्गों में 10 मोर्टैलिटी को निकालते हैं। हमारे पास जो बर्ड्स बचते हैं वो 194। दोस्तों, एक मुर्गे का जो वेट होता है वो 2 किलो का होता है 35 से 40 दिनों में। इस तरह से हमारा टोटल जो वेट बनता है वो 388 किलोग्राम। दोस्तों, अभी जो मंडी का रेट चल रहा है वो 110 रुपये की मंडी है। इस तरह से हमारा टोटल मुर्गे जो बिकते हैं वो 42,680 के बिकते हैं और इसमें हम माइनस करते हैं जो हमारा लागत लगा तो हमारा जो टोटल कॉस्ट बन रहा था वो 31,800 का। दोस्तों, 42,680 में 31,800 को हम घटाएंगे। इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट होता है वो 10,880 का। दोस्तों, अगर चिकन का रेट 100 चल रहा है, 100 चल रहा है तो इसके हिसाब से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा बनता है 38,800 रुपये। इसमें अगर हम 31,800 को माइनस करते हैं तो करीब 7,000 का मुनाफा होता है। दोस्तों, गर्मियों का जो सीज़न होता है इसमें आप बहुत आसानी से पोल्ट्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी पोल्ट्री बिजनेस शुरू करें तो आपको बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान देना होता है। दोस्तों, लीटर की गुड़ाई, फार्म के आसपास साफ़ सफाई और जब भी आप फार्म को छोड़ें तो फार्मोलिन और चूने की छिड़काव, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? और बहुत ही अच्छा लगा मुझे अजय जी से बात करके। और अक्सर मिलते रहते हैं, पोल्ट्री से संबंधित जब भी कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो अजय जी से मैं ज़रूर मुलाकात करता हूँ और भी नए नए फार्मरों से आपको ये चैनल मिलवाता रहता है। अभी आपने देखा इनके जो बर्ड्स हैं वो 37 दिन के हैं और बॉडी वेट 2 किलो प्लस है इनके बर्ड्स का। जो इनके पोल्ट्री बर्ड्स हैं, जो मुर्गे हैं, उनका बॉडी वेट 2 किलो प्लस है। तो बहुत ही अच्छे फार्मर हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इनसे मिलके। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट करते रहिएगा। जितने भी आपके कमेंट होते हैं मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते।